हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम योगी योगेंद्र। वेलकम टू द ऑटो गैलेक्सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल आर सेफ इन द पैंडेमिक सिचुएशन। प्लीज वेयर मास्क, यूज सैनिटाइजर्स एंड स्टे सेफ इन द होम। स्वागत है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल के सेकंड पार्ट में, जहां पर फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एज पर बॉडी सेफ हमारा फर्स्ट पार्ट था, और आज हम सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ व्हीकल बॉडी। टाइप्स ऑफ व्हीकल्स बॉडी को जानने से पहले हम लोग उसके कंपोनेंट ऑफ ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, यानी कि व्हीकल्स में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जानते हैं। जो सबसे पहला जो पॉइंट हो जाता है वो होता है हमारा पावर यूनिट, यानी कि व्हीकल्स में कौन सा इंजन यूज हुआ है, कितने सीसी का इंजन यूज हुआ, कितने पावर कितनी टॉर्क का यूज हुआ है, वो हमारा पावर यूनिट के अंतर्गत आता है। सेकंड होता है इसका ट्रांसमिशन सिस्टम, और थर्ड हो जाता है बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं हमारे फ्रेम, सस्पेंशन सिस्टम, एक्सेल, व्हील। नेक्स्ट कंट्रोल्स, कंट्रोल्स में हमारे आ जाते हैं बेसिकली ब्रेकिंग सिस्टम, स्टेयरिंग सिस्टम, और फिर आता है हमारा एक्सेलरीज। एक्सेलरीज में हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट्स और जो भी चीज़ें यूज हुई होती हैं वो हमारे एक्सेलरीज के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि हेडलाइट, बैकलाइट, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे एक्सेलरीज पार्ट के अंदर आते हैं। फिर आ जाता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर हमारा पूरी बॉडी को एक फिनिश देता है। फिलहाल हम आ जाते हैं सबसे पहले जो मेन मुद्दे पे, वो है टाइप्स ऑफ व्हीकल बॉडी। टाइप्स ऑफ व्हीकल्स बॉडी में सबसे पहला जो होता है वो होता है सेसी और बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन, यानी कि पूरी की पूरी जो हमारी व्हीकल होती है वो दो चीज़ों पे टिकी हुई होती है, सेसी और बॉडी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेसी क्या होता है। सेसी मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टील इन ट्यूबुलर शेप, इट सपोर्ट्स ऑल द व्हीकल सिस्टम एंड पार्ट्स, यानी कि ये एक ट्यूबुलर शेप में होता है और ये सपोर्ट करता है बॉडी के सारे पार्ट्स को। बॉडी सेपरेटली मेड एंड बोल्टेड टू द सेसी। सेसी और बॉडी ऑन फ्रेम के अंदर हमारे तीन पार्ट्स हो जाते हैं जो सेसी को कैटेगराइज करते हैं। इस टाइप ऑफ सेसी में सबसे पहला जो आ जाता है वो होता है हमारा कन्वेंशनल सेसी। अब कन्वेंशनल जो सेसी होता है वो हमारा हैवी व्हीकल्स में यूज होता है। इसमें हमारा इंजन और ड्राइवर्स केबिन का दो पार्ट्स होते हैं, और ये दोनों के दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें इंजन का जो बाहरी पोर्शन होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है पूरी तरीके से, और जहां पर ड्राइवर बैठता है वहां पर इंजन माउंटेड ना होकर के उसके आगे की साइड में माउंटेड होता है। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि जब भी कभी ड्राइवर इसको ड्राइव करता है तो उसके जस्ट इंजन के नीचे की जो सरफेस होती है वो ड्राइवर्स को एग्जैक्टली विजिबल नहीं होती है। सेकंड जो आ जाती है हमारी वो होती है सेमी फॉरवर्डेड सेसी। सेमी फॉरवर्ड सेसी भी हमारा कन्वेंशनल सेसी की ही तरह होता है, यानी कि जैसा मैंने बताया कि दो बॉक्स होते हैं, और सेमी फॉरवर्ड सेसी में क्या होता है कि जो ड्राइवर्स जहाँ पर बैठता है उसका हाफ पोर्शन इंजन का केबिन और हाफ पोर्शन बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, यानी कि पोर्शन ड्राइवर्स केबिन के अंदर होता है और हाफ पोर्शन इसका बाहर होता है। अगर थर्ड की बात करते हैं तो फुल फॉरवर्ड सेसी। फुल फॉरवर्ड सेसी में क्या होता है कि इसमें जो इंजन और ड्राइवर्स का केबिन दोनों एक ही में सेपरेट होता है। इंजन ड्राइवर्स के केबिन के जस्ट नीचे होता है, जिससे कि ड्राइवर्स को पूरी तरीके से आगे की सरफेस पूरी तरीके से विजिबल होती। ये तीन हमारे सेसी के पार्ट्स होते हैं, कन्वेंशनल सेसी, सेमी फॉरवर्ड सेसी, फुल फॉरवर्ड सेसी। सम व्हीकल्स आर नाउ यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ सेसी एंड मोनोकॉक बॉडी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर जानना चाहें तो ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा एक ऐसी व्हीकल है जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेसी एंड मोनोकॉक बॉडी स्ट्रक्चर बेस्ड पे बनाई गई है, और सेसी और बॉडी ऑन फ्रेम कंस्ट्रक्शन पे हमारी एग्जाम्पल के तौर पर हैं ओमनी, इको, वर्सा, जिप्सी, और बाकी जितने भी अदर मॉडल्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे मोनोकॉक और यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन बेस्ड पे बनाए जाते हैं। ये रही हमारी आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कमेंट बिलो नाउ।